हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ। याद है पिछली वीडियो में मैंने भेजा था आप लोगों को, कीबोर्ड के बारे में बताया था, उसके कीज के बारे में बताया था, उसके पिच के विषय में बताया था, कहाँ पे सी की है, कहाँ पे बाकी कीज हैं उसके विषय में बताया था। आज हम लोग इस वीडियो में अपने नेक्स्ट लेसन चलेंगे, तो उसमें हम लोग ने लेसन नंबर वन और लेसन नंबर टू, दो लेसन हम लोग ने कवर किया था। आज हम लोग नेक्स्ट लेसन नंबर थ्री की ओर मूव करेंगे। सो वी विल मूव टू लेसन नंबर थ्री, जो कि हमने ऑलरेडी आपको सेंड कर रखा है। अगर आप उसको अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लें, बिल्कुल साफ साफ नोट करें। छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स का हेल्प लें और बाकी लोग अच्छे से साफ राइटिंग में अच्छे से लिखेंगे, एकदम ध्यान दे के लिखेंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक हमारे फिंगर्स और की को डिफरेंट कर सकती है, ट्यून को चेंज कर सकती है। इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे हमारा लेसन नंबर थ्री क्या है। लेसन नंबर थ्री में हम लोग आते हैं, देखते हैं, तो हमको क्या देखते हैं, सी डी सी डी दो बार, फिर ई एफ दो बार, फिर जी एफ दो बार, फिर ई डी दो बार, यानी कि सी डी दो बार, ई एफ दो बार, जी एफ दो बार और ई डी दो बार। तो लेसन पूरा क्या हो गया, सी डी ई एफ जी एफ ई डी, और सेम फिंगर वही है, सी के लिए फिंगर नंबर वन, डी के लिए फिंगर नंबर टू। तो अगेन हम सी डी बजा रहे हैं, तो फिंगर नंबर रिपीट करेंगे वन और टू। हमारा ई एफ ई एफ है, ई के लिए हम लोग ने पहले सीखा था थ्री फिंगर। अगर हम लोग ने लेसन नंबर वन हमको हम लोग ने याद किया है, तो हम लोग देखेंगे इस ई के लिए हमारा फिंगर नंबर थ्री था और एफ के लिए फिंगर नंबर फोर था। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ई के लिए फिंगर नंबर थ्री, एफ के लिए फिंगर नंबर फोर। जब हम ई एफ रिपीट कर रहे हैं तो सो हम लोग फिंगर रिपीट करेंगे, फिंगर नंबर्स भी सेम रिपीट करेंगे, यानी कि थ्री फोर थ्री फोर। और फिर हम लोग का लेसन आ रहा है जी एफ जी एफ, जी के लिए हम लोग फिंगर नंबर फाइव इस्तेमाल करते हैं, एफ के लिए हम लोग फिंगर नंबर वही फोर इस्तेमाल करते हैं, तो ये फाइव फोर फाइव फोर। अगेन ई डी डी के लिए थ्री टू थ्री टू। होप आप लोग जो भी बच्चों ने लेसन नंबर वन एंड टू को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, उसकी फिंगर्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, याद कर लिए होंगे, तो ये लेसन बजाना उनके लिए इजी हो जाएगा। कभी बच्चों ये बात का ख्याल रखेंगे कि जो भी आपको लेसन आगे देते हैं, आपको उसके प्रीवियस लेसन अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि ये सभी लेसन एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप बनाए गए हैं। अगर आप डायरेक्टली थर्ड पे आएंगे और लेसन नंबर वन और टू अच्छे से आपने प्रिपेयर नहीं किया है, अच्छे से याद नहीं किया, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, अच्छा आपके दिमाग में नहीं है, तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप अच्छे से फिर अगले लेसन जो आगे के हैं, हायर लेसन हैं, उसको अच्छे से ट्रेन करने में आपको दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसलिए हमेशा जो चीज़ें पहले दी गई हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस की जाती है। ओके, सो हम लोग इसको बजा के देखेंगे, लेसन नंबर थ्री को कैसे हम कीबोर्ड पर बजाएंगे देखेंगे। हम सब ने सी की को ढूंढ लिया था कि दो ब्लैक की से पहले वाला जो की है वो हमारा सी है, और हमारे सेंटर मिडिल पिच पे हम लोग इसको बजाते हैं, जो कि हमारे कीबोर्ड के मिडिल में होता है। तो हम लोग बजाएंगे इसको सी डी सी डी ई एफ जी एफ जी एफ ई डी, फिर से बजाते हैं हम लोग। एक बार फिर से बहुत प्यारा लेसन है, सब लोग ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेसन नंबर थ्री अगर आपने अच्छे से बजाया है तो लेसन नंबर फोर आपको बहुत ईजिली आप बजा लोगे। तो लेसन नंबर फोर में अगेन सी के लिए हम फिंगर नंबर वन, जो कि हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं, ई के लिए हम लोग फिंगर नंबर थ्री इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम सी और ई के बीच में जो डी है वो स्किप कर दिए, उसको हमने हटा दिया। नया लेसन हमने क्या देखा कि सी के बीच में से डी गायब हो गया, वो कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। अब डी के बाद हमने बीच में ई हमारा स्किप हो के एफ आ गया, वो ई कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया। ई के बाद हमने एफ स्किप करके जी आ गया, तो हमारा लेसन क्या है, सी ई डी एफ ई जी और फिर डी ई, यहाँ हमारा ये इतना लेसन, इसी को हमने दो बार लिखा है, यानी कि ये पूरा लेसन बनाने के लिए इस हाफ और हाफ को
कंप्लीट करेंगे तो ये फुल हो जाएगा। जो यहाँ हाफ है वही सेम हाफ यहाँ पे है, एक्सेक्ट वही है, सी ई सी ई डी एफ डी एफ ई जी ई जी डी ई डी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका लेसन क्या है, सी ई डी एफ ई जी डी ई सी ई डी एफ ई जी डी ई। ओके, तो हम लोग इसको बजा के देखेंगे। अभी फिंगर नंबर से याद रखते हैं कि फिंगर नंबर के लिए इसमें सी ई फिंगर नंबर थ्री डी एफ, तो टू और फोर इस्तेमाल किए। अब ई जी के लिए थ्री फिंगर नंबर और फाइव का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है देखते हैं, डी ई के लिए फिंगर नंबर टू और फिंगर नंबर थ्री ई के लिए। फिर से बजाते हैं एक बार, ये प्रैक्टिस करेंगे। ओके ओके, नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर फाइव। लेसन नंबर फाइव क्या है, जी ई एफ टी ई सी डी, सेम इसी हाफ को फिर से हमने यहाँ रिपीट किया है। तो जी ई एफ डी ई सी डी ई, जी ई एफ डी ई सी डी ई हमारी प्रैक्टिस करना है। अब फिंगर नंबर क्या होगा, फाइव थ्री फोर टू थ्री वन टू थ्री। ओके, फाइव थ्री फोर टू थ्री वन टू थ्री, ये हमारा फिंगर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग एक्सरसाइज को बजाते हैं और देखते हैं कैसा ये टोन है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा एक्सरसाइज ये है। क्या बजाया हमने, हमने बजाया जी ई एफ डी ई सी डी ई। एक बार और ये सब बजाते हैं, ओके। सो स्टूडेंट, ये लेसन नंबर फाइव तक हमने आपको इस वाले वीडियो में हमने आपको लेसन नंबर थ्री फोर और फाइव आपको हम सेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसके आगे के लेसन देंगे, लेकिन यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा ताकि हम जो आगे के लेसन दें उसके लिए आपके फिंगर्स, आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका सोल रेडी हो जाए, उन लेसन के लिए प्रिपेयर हो जाए, और प्रैक्टिस करके ही हम किसी चीज़ को आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। इसलिए कभी भी प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा, ऑलवेज कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।